एनआरसी में इतने इतने डरावने प्रोविजंस हैं जिससे आम नागरिक जो है, और ये सिर्फ किसी कम्युनिटी की बात नहीं है, एनआरसी के ड्राफ्ट कहाँ है? एक मिनट, एनआरसी ड्राफ्ट कहाँ है? हर आम गरीब मुझे ड्राफ्ट बता दीजिए, कागजात नहीं है, ड्राफ्ट कहाँ है एनआरसी का? कहाँ है एनआरसी का? सरकार से पूछे मैम, मुझसे कहे पूछ रही है? आप बता रही है कि डरावने प्रोविजन है, बात क्यों नहीं? आप कह रही हैं, मेरा सवाल सुनिए, वन सेकंड, नो मैम, आप जिसका जन्म नहीं हुआ उसका मुंडन करवा रही हैं, एनआरसी कहाँ है? नहीं नहीं, जवाबदेही मेरी नहीं है मैम, जवाबदेही सरकार की है, क्योंकि ये बात हम नहीं लाए यहाँ पे। सुनिए, आपने कहा कि एनआरसी में इतने डरावने प्रोविजन हैं, तो मैं कह रही हूँ कि आप ड्राफ्ट दीजिए ना, मैं इस डिबेट को यहीं खत्म कर दूंगी। एनआरसी का ड्राफ्ट स्वरा भास्कर के पास है, जीशान आपके पास है, असम सिग्मान चौधरी आपके पास है, काम नहीं है मैम, आप मुझे ड्राफ्ट दे दीजिए, एक मिनट, एनपीआर के सवाल दे दीजिए, मैं डिबेट यहीं खत्म कर दूंगी। मैं सरकार में नहीं हूँ, मैं डिबेट यहीं खत्म कर दूँ, मेरा काम है इस देश के कानून का पालन करना और टैक्स भरना, मेरा काम ड्राफ्ट बनाना। तो आप हवा हवाई बातें क्यों कर रही हैं? हवाई बातें नहीं कर रही हूँ, नहीं तो आप भड़काएंगे लोगों को, हवाई बातें नहीं कर रही हूँ मैम, एनआरसी का एक उदाहरण, आप भड़काएंगी मैम, एनआरसी का एक उदाहरण, वोट देने जाएंगी, कागज दिखाएंगी और नारे लगवाएंगी कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, दादाजी और दादाजी और उनके दादाजी के कागज नहीं दिखाने होते मैम वोट देने के लिए, ठीक है? आप ऐसे घुमाइए मत बातों नहीं को। मैं कोई घुमा नहीं रही हूँ, नहीं मैम, मैं बहुत सीरियस लेवल पर आपसे डिस्कशन कर रही हूँ, नहीं ये डिस्कशन, यू आर नॉट लेटिंग मी स्पीक फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑफ कोर्स डू, नो, आप बोल रही हैं कि हम लोग हवा में बात कर रहे हैं, कैसी हवा में मैम, जब एनआरसी के ड्राफ्ट 10 साल तक एनआरसी का पूरा प्रोसेस असम में, असम का सीए से कोई लेना देना नहीं है, एनआरसी से लेना देना, बातें कर रहे हो, असम का कोई सीए से लेना देना नहीं है, सीए से कोई बात तो नहीं है, प्रोटेस्ट चल रहे असम में, आपने एक्ट पढ़ा है स्वरा, सीए का लेना देना पूरे देश से है, आपने एक्ट पढ़ा है स्वरा, मैं बार बार कह रही हूँ आपको, सीए आपने एक्ट पढ़ा है स्वरा, मैं आपके लिए एक्ट लेकर आई, मैंने रेलेवेंट सेक्शन पढ़े, मैं आपके लिए एक्ट लेकर आई हूँ, मुझे यकीन था आपने एक्ट नहीं पढ़ा होगा, आप मुझे ये बताइए, डाउटफुल सिटीजन, डाउटफुल सिटीजन का जो लिस्ट है उसको लेकर आपकी क्या राय है, जो लोग डिटेंशन सेंटर में मरे हैं जिनके पास कागजात थे उनको लेकर आपकी क्या राय है, जो 15 या जो 19 एक्ट को पढ़िए स्वरा, इसमें मुसलमानों का कोई जिक्र नहीं है, आप मुसलमानों को भड़का रही हैं, इस एक्ट में माइनॉरिटीज का हिंदुस्तान के कोई जिक्र नहीं है, देखिए इस एक्ट को पढ़ लीजिए, रट लीजिए, इसमें किसी भी माइनॉरिटी का हिंदुस्तान की जिक्र नहीं है, नहीं मैम, आप पढ़िए इस एक्ट को, देखिए मैम, और एनआरसी का सीएए का असम के एनआरसी से कोई वास्ता नहीं, मुझे पता है, मुझे पता है, नहीं पढ़ेंगी, आप पढ़ेंगी तो आपका झूठ सामने आ जाएगा जी, आप नहीं पढ़ेंगी, मैंने रेलेवेंट चीजें पढ़ी हुई हैं, पहली बात, मैं पन्ने लेकर आई हूँ, पढ़िए ना रुबिका जी, आपको जितना भी गैलरी को प्ले करना है, आपकी आपकी फेवरिंग ऑडियंस है, हम उत्तर प्रदेश में, मुझे कोई दिक्कत नहीं, अब आपको ऑडियंस, अब ये ऑडियंस जो है ये राइट विंगर हो गई, आप जितनी तालियां बजवाना चाहती हैं, अब ये ऑडियंस राइट विंगर हो गई, जितनी तालियां बजवाना चाहती हैं आप बजवा, मुझे तालियां नहीं बजवानी है मैम, मैं प्रदर्शन करने वाली उन महिलाओं के लिए चिंतित हूँ। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।